शाहरुख खान अब रावण की सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए राइटर्स की स्पेशल टीम फरवरी 2012 से काम शुरू करेगी और सीक्वल में शाहरुख करीना के बदले किसी और एक्ट्रेस को साइन करेंगे, क्योंकि करीना फिल्म के प्रमोशन में अपना ज्यादा वक्त नहीं दे पाई थी। अगर सोर्सेज की माने तो संजय लीला भंसाली को रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हुए देखा गया। कहा जा रहा है कि संजय ऐश को उनकी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने मिले थे और ऐश ने इस फिल्म के लिए अपनी हामी भी भर दी है। द डर्टी पिक्चर में नजर आने वाली विद्या बालन और इमरान हाशमी की फ्रेश जोड़ी अब एक बार फिर नजर आएगी एकता कपूर की अगली फिल्म में। दरअसल एकता इनकी जोड़ी को मिले रिस्पॉन्स से इतनी खुश है कि दोबारा इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहती हैं। बिपाशा बासु इन दिनों उनकी फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स की शूटिंग गोवा में कर रही हैं और शूटिंग के बाद बिप्स को उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स डीनो मोरिया और मिलिंद सोमन के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया। बिप्स की माने तो ये दोनों हमेशा से उनके फ्रेंड्स रहे हैं एंड शी हैज स्टेड इन टच विद देम फॉर इयर्स। कई दिनों से ये खबर आ रही है कि राणा दागुबत्ती ने सैफ अली खान को एक अल्कोहल ब्रांड के लिए रिप्लेस कर दिया है। राणा को इस बात का गुस्सा है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट होने से पहले ये खबर फैल गई और ऐसी खबर से राणा और सैफ के बीच एनिमिटी हो सकती है।